बस मीम देख लिया मूड हो गया। हाय हे गाइस, सो वेलकम टू आओ मिटाते ये दूरियां। तो आज मैंने जिसका कमेंट पिक किया है, उसने कमेंट किया है वेब सीरीज मीम्स पे। तो आपको पता है वेब सीरीज मीम्स पे तो बहुत सारे खतरनाक कमेंट्स थे, बट ये रीसेंट कमेंट था और मुझे लगा इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक को, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल आता है, रियली डोंट नो व्हाई, वो भी ऐसा सवाल। एंड ऐसे सवाल का जवाब मैं हर एक कमेंट पे देती रहूंगी, तो मैं ही पागल हूं, मैं ही बुद्धू, मुझे ऐसे फील होता रहेगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ओके, तो ये है सिंह मंजोत। ओके सिंह मंजोत जो मुझे पूछते हैं, आपका मूड फुल होता होगा वीडियोस देखकर। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये मीम्स वाले वीडियो हो या ऐसे कुछ भी वीडियो हो, जो मीम्स ही बहुत शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, समझो 5 मिनट का वीडियो हो मीम का, उसमें से हर एक मीम का कुछ 1 मिनट का होगा, कुछ हाफ मिनट का होगा, कुछ ऐसे होगा लिटरली। ओके, शॉर्ट मीम्स, हंस के छोड़ देना होता है या शॉक हो जाना होता है, माय गॉड ये क्या कहा इसने, या फिर एकदम कि ये कौन सी दुनिया में होता है, ये कहा होता है, काइंड ऑफ ऐसे रिएक्शंस आते हैं उस पे लिटरली। और उसपे मूड, मतलब लिटरली ये कैसा सवाल, मेरे को जब भी ये सवाल आता है मुझे लिटरली फील होता है ये क्या बात हुई। और अगर ऐसा वीडियो होता भी तो ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये यूट्यूब है। उसपे या तो लिमिटेड एड्स लग जाएंगे, या तो पॉलिसी के हिसाब से वीडियो डाउन किया जाएगा, या तो बहुत सारी चीजें लग जाती है। कॉपीराइट क्या है दूसरा, और एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, और एक होता है कॉपीराइट, वो लग जाता है फिर तो। फिर या इतने सारे इश्यूज होते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा होगा कि बहुत आसानी से कोई भी एक वीडियो उठा लो, उसको डाल दो, पैसे कमाओ बैठे बैठे, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी भाई। यहाँ पे बहुत सारे चेक्स के थ्रू जाता है। इवन इफ यू अपलोड अ वीडियो, उसके बाद जब तुम मोनेटाइज करते हो, नॉर्मली आपको एक चीज बताओ सीधे सीधे तरीके से, जब हम सिर्फ डैंक इंडियन मीम्स डालते हैं, जब हम नाम लिखते हैं टाइटल, जब हम डैंग इंडियन मीम्स डालते हैं, तब ऑटोमेटिकली पहले उस पे लिमिटेड एड्स लग जाता है, फिर हमको उसको चेक के लिए डालना पड़ता है कि आई हैव रीचेक्ड माय वीडियो एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा है, तो फिर वो चेक करेंगे। अगर उनको जरा सा भी उसमें कुछ चीज दिखे, हल्की सी भी, ऐसे उसको कोई लेना देना, कभी कभी तो मैं कभी शॉक भी हो जाती हूँ इस पे कैसे लिमिटेड एड्स लग गया, क्योंकि कभी कभी तो कुछ होता भी नहीं है। ओके, उस पे लिमिटेड एड्स लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो फिर चेक करके वो निकाल देते हैं, बट कभी कभी कुछ होता नहीं, हल्की सी कोई चीज भी होगी उसके ऊपर वो लिमिटेड एड्स लग सकते हैं। और लिमिटेड एड्स मतलब ना के बराबर होते हैं पैसे, उसमें से आप पैसे कमा ही नहीं सकते। एंड दूसरी चीज, आपका चैनल पे बहुत सारा इफेक्ट अलग से हो जाता है। इवन इफ अगर बहुत सारे लिमिटेड एड वाले वीडियो लग गए, तो उसके बाद जब आप ट्रेलर पे रिएक्ट करते हो, नॉर्मल ट्रेलर, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊं तो ऐसे समझो राधे श्याम का ट्रेलर हो या RRR का ट्रेलर हो, नॉर्मल ट्रेलर है, उसमें तो कुछ है भी नहीं कि जिससे लिमिटेड एड्स लग जाए, उस पे भी लिमिटेड एड्स लग जाते हैं। उसको चेक करने को वो लोग 4-5 दिन लेंगे, उसके बाद जो एक दिन में चेक होना चाहिए उसको 4-5 दिन लेंगे, एंड देन तब तक यू डोंट अर्न एनीथिंग। मतलब जो ट्रेलर जब नया नया आता है लोग तब रिएक्शन देखते हैं, 2 दिन में 1 दिन में व्हाटएवर, उसको 5 दिन के बाद उसके ऊपर से लिमिटेड वाला जो टैग है वो निकल जाता है, एंड देन हम वो मतलब फिर उसके बाद यू कैन अर्न, बट उसके बाद तो व्यूज नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम है। बात रही आपका मूड फुल होता होगा वीडियो देखकर, तो ऊपर से स्माइली इनकी, ओके स्माइली को ना ऐसे हाँ बोलते हैं उसको, क्या इस वाले स्माइली को क्या बोलते हैं इसको, टेस्टी खाना के टाइम पे बनाते ये वाली स्माइली, वो है ये ऐसा मुझे लगता है, आप बताओ इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो मेरा आज तक, मेरे को ऐसा आज तक कभी फील नहीं हुआ कि बाबा ये मीम देखा, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा मूड एंड ऑल ये वो ऐसे वैसे, नेवर एवर। और मुझे नहीं लगता ऐसे वीडियोस मैंने लाए भी है जो मतलब ऐसा हो जाए या कुछ ऐसे। मीम्स मतलब फनी वीडियोस होते हैं, वियर्ड भी होता है, उसमें रोस्ट भी होता है, उसमें सारी चीजें होती है, जो जो आधा मिनट 1 मिनट का कुछ क्लिप्स होते हैं उसमें। ओके, एंड मेरे साथ से बहुत सारे व्यूअर्स है जो वीडियो देखते हैं,
बहुत टाइम से है मेरे साथ में, उन्होंने भी कभी ऐसे सोचा नहीं है, उनके दिमाग में भी कभी ऐसे सवाल आया नहीं। मतलब आप इतने क्या होता है, इतने ढीले हो कि आपका इतना जल्दी ऐसा ही मूड हो जाता है। बस मीम देख लिया मूड हो गया, हाय ये कैसा मूड है, लिटरली इतने ढीले। तो मुझे ऐसा लगने लगा है ना, आपका क्या है इसके बारे में ओपिनियन में जानना चाहती हूँ। या ऐसा है कि मतलब सबके ओपिनियन जानना मुझे पसंद है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मीम्स इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट, आई एंजॉय रिएक्टिंग ऑन इट, आई एंजॉय रिएक्टिंग ऑन इट बिकॉज रोज रोज कहीं से कोई ट्रेलर नहीं आने वाला, सॉन्ग नहीं आने वाला, कहीं कुछ नहीं आने वाला। ओके जब कुछ भी ऑप्शन नहीं होता था, देयर इज अ मीम कि जिसपे हम रिएक्ट कर सकते हैं, कि चलो आज मीम पे रिएक्ट कर देते हैं। एंड रिएक्ट करने से पहले मैंने बहुत से बार कहा है मैं कभी वीडियो नहीं देखती, क्योंकि फिर वो रिएक्शन में ऐसे प्योरिटी नहीं रहेगी, राइट? अगर हम अचानक से कोई चीज पे रिएक्ट कर दे कुछ, तो वो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, वो जेन्युइन होता है, राइट? ओ माय गॉड, या जो कुछ भी ऐसा, कुछ जो कुछ भी आता है, हंसी हो या कुछ भी हो, वो जेन्युइन भी आता है। तो मैं जब भी कभी भी पहले वीडियो पे देखती नहीं हूँ, डायरेक्टली रिएक्ट करती हूँ। डायरेक्टली रिएक्ट करने का मैं खुद बहुत से बार शॉक हो जाती हूँ, ये क्या था, ये क्यों हुआ, या जो कुछ भी आया, तो फिर फनी हो तो फिर बहुत ज्यादा हंसी भी आ जाती है। तो मुझे रिएक्शन करने के बाद समझ में आता है कि उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। ओके तो मूड बनाने के लिए या मूड क्या जो भी है इससे रिलेटेड कोई भी चीज होने के लिए मैं मीम पे रिएक्ट करती हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। एंड वंस अगेन YouTube पे ये सब चलता नहीं है, उसके पॉलिसीज बहुत ज्यादा अलग है, दिमाग में रखो ये चीज। इट्स नॉट इजी कि YouTube पे आप अगर कर रहे हो तो कोई भी वीडियो उठाओ डाल दो। आप ट्राई करो, चाहे तो आप एक बार ट्राई करो, आप वीडियोस बनाओ कुछ भी, इधर से उधर से कैसे भी कुछ भी उठा उठा के डाला करो, आपको समझ में आ जाएगा थोड़े ही दिनों में कि यूट्यूब पे क्या होता है। तो YouTube पे काम करना इज नॉट इजी, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही कुछ वीडियोस बना के नहीं डाल सकते हैं। एंड अगर आपने देखा होगा कि हम अगर रील वाले रोस्ट पे रिएक्ट करते हैं, तो उसपे भी जो रोस्ट करने वाले लोग हैं उसको ब्लर कर देते हैं हल्का सा, या फिर पूरे तरीके से, या व्हाटएवर इट इज। ओके पहले उसको ब्लर वर करेंगे फिर उस पे डालेंगे, बिकॉज YouTube बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने पॉलिसीज के साथ। एंड इतना स्ट्रिक्ट है कि हम आगे चल के फिर चैनल भी कभी नहीं खोल सकते अगर उन्होंने एक बार हमें ब्लॉक कर दिया तो। एंड सबको चैनल से बहुत ज्यादा प्यार है, तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को मूड बनाने के लिए। ओह गॉड, लिटरली क्या सोचते हो यार, ये जो को जितने लोगों ने ऐसे सारे कमेंट्स किए इतने सालों में, समझ लो ये अलग ही है। आप लोग इतने ढिल्ले कैसे, मुझे समझ में नहीं आता देखिए कि बस यू ही मूड हो जाता है। तो ये था मेरा आंसर फॉर आपका मूड फुल होता होगा वीडियोस देख। प्लीज टू लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, शेयर एज मच एज यू कैन। मैं रोज आया करूंगी कमेंट्स के साथ, आपके कमेंट का रिप्लाई देके, कोई भी कैसा भी कमेंट जो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगे, कोई अच्छा लगे, कुछ उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। बाकी परत मियां लेट्स।